नमस्कार दोस्तों, खो देता है जो वक्त को वह जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरो वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशि पर। मैं आज हम बात करने जा रहे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 8 सितंबर दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चौथे सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों आए स्टूडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज स्टूडियो में आएगा शंपू राशि फल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, विष्णु भगवान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय विष्णु भगवान लिखें, विष्णु भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 8 सितंबर 2022 दिन गुरुवार, आज की तिथि त्रयोदशी, आज का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:02 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:35 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:16 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 8:07 से सुबह 9:11 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 4 और शुभ रंग है पीला और नारंगी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आज के जानते हैं। तो दोस्तों मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आज आपको यह बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको मुनाफा हो सकता है। जिन्हें भावनात्मक संबल की जरूरत है वे पाएंगे कि बड़े आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आपका प्रिय आज रोमांटिक मूड में होगा, अपना समय और ऊर्जा दूसरे लोगों की मदद करने में लगाएं। लेकिन ऐसे मामलों में पड़ने से बचें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको कुछ करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिश कर सकता है। किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताना जिसका साथ आपको बहुत पसंद ना हो आपकी नाराजगी वजह हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर फैसला करें कि आप किसके साथ बाहर जाने वाले हैं। साथ ही आपको बताएं आज आप ऊर्जा से भरपूर होंगे और कुछ असाधारण करेंगे। आज आपके भाई बहन आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं और उनकी मदद करके आप खुद आर्थिक दबाव में आ सकते हैं। हालांकि स्थिति जल्दी सुधर जाएगी, रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा और दिमागी बोझ से छुटकारा मिलेगा। आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की जरूरत है ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान व समझ सकें। आज के दिन आपके लिए कुछ दोस्त आपके घर में आ सकते हैं और उनके साथ आप समय बिता सकते हैं। हालांकि इस दौरान शराब सिगरेट जैसे पदार्थों का सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ यह दिनों और दिनों की अपेक्षा अच्छा बहुत गुजरने वाला रहेगा। आज आपको महसूस हो सकता है कि आपका प्रेमी आपसे दूर हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं सोचे हुए पुराने काम शुरू करें, फायदा हो सकता है। आज आप अच्छा महसूस करेंगे। सामूहिक और सामाजिक काम के लिए दिन अच्छा है। परिवार के ज्यादातर काम आपको निपटाने पड़ सकते हैं। दोस्तों के साथ समय बिताएं, किसी तरह के निवेश की योजना भी बना सकते हैं। धन लाभ हो सकता है, उधार दिया गया पैसा आपको मिल सकता है। ऑफिस और बिजनेस में आपके लिए किए गए बड़े फैसले फायदा देने वाले होंगे। साथ ही साथ आपको बताएं आज अचानक कहीं से धन लाभ होगा, आपके आर्थिक पक्ष मजबूत होगी। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। आज किसी नए व्यक्ति से दोस्ती के योग बन रहे हैं जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। साथ ही नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज का दिन शुभ है, सफलता जरूर मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ धन लाभ भी होगा। लंबेट के लिए आज का दिन बढ़िया है, ब्राह्मण को मिट्टी का बर्तन दान करें, धन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही दोस्तों आपको बताएं आज अपने विचारों का दायरा बढ़ाने की कोशिश करें। कभी कभी लापरवाही और अति आत्मविश्वास की वजह से आप धोखा भी खा सकते हैं, सावधान रहें। जीवन साथी को स्पेस देने से पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलेगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए
आज का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। आज के दिन कर्ज आदि से दूर रहें। व्यवसायिक प्रगति के लिए आज का दिन अनुकूल है। क्रेडिट कार्ड के बदले कैश रखना शुरू करके आप बेवजह की खरीदारी पर अंकुश लगा सकते हैं। इस राशि के इंजीनियर्स आज अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता आपके कदम चूमेगी। और आपको बताएं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। आज आपका समय बच्चों के साथ बीतेगा, जिससे पारिवारिक माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। बहुत सारे रोमांटिक अवसर आपके रास्ते में आ रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन प्रतिकूल नजर आ रहा है। किसी अन्य व्यक्ति की वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आज राजनीतिक से जुड़े लोगों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी क्षेत्र में वित्तीय लाभों को तोलें और फिर निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा होगा। व्यवसाय में आज ज्यादा काम की अधिकता रहेगी। आपके काम से जुड़े ज्ञान को बढ़ाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आर्थिक चिंता भी सता सकती है। साथ ही आपको बताएं कि आज अटका हुआ पैसा प्राप्त करने की कोशिश करें। जिस प्रकार से आप निवेश करेंगे उस तरह से आपको फल प्राप्त होगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा तथा घर में सुखद माहौल होगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। पार्टनर की और आपकी एक दूसरे से अपेक्षा अलग होने की वजह से रिलेशनशिप को तोड़ने का निर्णय लिया जा सकता है। व्यायाम और योग के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए, वरना नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। काम के संबंधित बातें जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी। व्यवसायिक कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हो सकती है। मार्केटिंग पेमेंट कलेक्ट करने में अधिक समय ना लगाएं। सरकारी सेवारत लोगों को उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई अथॉरिटी मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की यात्रा और शॉपिंग को लेकर कानासुनी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने मधुर संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन आपके प्रयास से स्थितियां काफी अनुकूल हो सकती हैं और आप अपने रिश्ते को नई रचनात्मकता देंगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, मर्यादित आचरण रखना ही आपके लिए सही साबित होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने प्रियतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तव में यह रिश्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है। आपका प्रियतम ही आपका सब कुछ है। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। आपको इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज घर में आपके ग्रह के चलते आपको घर से कोई परेशानी हो सकती है। साथ ही आपको बताएं कि आज आप ज्यादा भागदौड़ के काम ना करें व आपके गिरने व चोट लगने आदि की संभावना है। इसलिए आप जो भी काम करें थोड़ा ध्यान से और सोच समझ कर करें। और आप अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।